पास है परसेंटेज 10 में से 8 8 तो 8 तो अच्छा नंबर है फिर मतलब अच्छी है। तो जी ये जो अभी हमने देखा ना ये वाला ये हैंडवेयर कलेक्शन में है और ये फ्लेक्सिबल रहता है। दिखाओ मैडम थोड़ा इसका फंक्शनलिटी दिखाओ आप। एक्चुअली ना वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वो कमोड देखने के लिए उसमें लगेगा टाइम। मैंने बोला एक एक चाय हो जाए थोड़ा सा फ्रेशनेस रहेगी। कमोड फिटिंग्स बाथरूम से वगैरह की वो सारी डिसाइड करनी है। उस दिन क्या हो गया था उस दिन जब हम लोग आए थे क्या हुआ कि वो ऑफिस से आया था मैं 7 बजे लोग बंद कर देते हैं तो वो बस हमारे वॉश बेसिन ही फाइल हो पाए उस दिन और कुछ नहीं हो पाया अच्छे से जो है देख नहीं पाए। अभी देखते हैं मैडम बोली उसमें टाइम लगेगा उसमें मतलब पच्ची करनी पड़ेगी पहले चाय तो पी लें एनर्जी ले लें। चलिए चाय की चाह हो रही थी मैडम को तो चाय की चाह में हम लोग यहाँ आ गए हैं मद्रास कैफे चलिए चलते हैं। A few minutes later. तो चलिए तो आप तो तुरंत बनने वाली के चक्कर में घूम रही थी हाँ। वो तो फिर भी नहीं मिली अब क्या कर सकते हैं भाई चीज़ नहीं मिलती ना। क्या है कि हमारी मैडम को मुझे भी रखी हुई चाय हमें पसंद नहीं आती हाँ। जो फ्रेश बनती है उसकी बात ही अलग होती है हाँ। इस चक्कर में हम थोड़ा घूम लिए आई थिंक 1 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग गाड़ी ड्राइव करके आ गए हैं उल्टा उल्टे डायरेक्शन में जाना जहाँ उसको छोड़ के फिर भी जो है मिली नहीं फिर भी इनकी बोल रहे हैं आधा घंटा पहले की रखी हुई चाय देखते हैं कैसी है। पास है परसेंटेज 10 में से 8 तो 8 तो अच्छा नंबर है फिर मतलब अच्छी है। वाह भैया दे दो एक और दूसरी कौन सी लेनी है तुम ले रहे थे ना मसाला ये कौन सी वाली है जिंजर एक मसाला टी और दे दो भाई मेरी में चाय कम दी थी आपने झूठ बोल रहा है चाय कम दी आपने ये बिस्किट देना कैसा बिस्किट है ये चाय तो दोस्तों अच्छी है चाय तो अच्छी है। मद्रास कैफे इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में नीलादी रोड के पास में ये एक्चुअली बेटरदासपुरा रोड है बेटरदासपुरा रोड इस रोड पर आपको मिलेगा ये मद्रास कैफे नाइस बिस्किट अच्छा है बिस्किट भी अच्छा है कौन सा बिस्किट है नमकीन मीठा दोनों अच्छा वो जो हल्का हल्का मीठा सॉल्टी होता है सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे बनाए हुए उन्होंने देखी ये। अब दोस्तों मैडम की चाय तो हो गई अब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए तो मैं खाऊंगा ये देखिए आयगनार केक पैराडाइज है ये बेटरदासपुरा रोड पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में नीलादी रोड के पास में यहाँ का जो है बेकरी आइटम्स काफ़ी अच्छा है आप ट्राई कर सकते हैं जब भी कभी यहाँ आए तो चलिए चलते मैं यहाँ का खाऊंगा सबसे जो मेरा पसंदीदा आइटम है वो है क्रीम रोल चलिए आइए देख के भैया क्रीम रोल देना। तो दोस्तों देखिए हमने ये फाइल किया ना हाँ इसे हमने फाइनलाइज किया टॉयलेट पेपर के लिए दोनों वॉशरूम के लिए और साथ में ही हमने एक ये फाइनल किया है नहीं नहीं ये नहीं बाहर वाले वॉशरूम के लिए भी चाहिए वो तो हो गया ना नहीं मैडम दो वॉशरूम है हमारे घर में बाथरूम की बात कर रहे हो ना हाँ बाहर वाले वॉशरूम के लिए बाहर वाले के लिए वो वाला कर लिया ना उधर नहीं ये नहीं चाहिए वो रोज गोल्ड नहीं आ रही ओनली एक चाहिए हमको बाहर बाहर यूनिट में हाँ उसके लिए रोज गोल्ड चाहिए वो नहीं मिल रहा है ठीक है। एक जो वॉशरूम के अंदर है बाहर उसमें तो लगाना पड़ेगा इस टाइप का क्योंकि वहाँ पर तो वैसा वाला वॉश बेसिन है ना रखने की जगह थोड़ी ना है ये मजा नहीं आ रहा छोटा ज़्यादा है छोटा तो ठीक है बहुत बहुत कितना बड़ा ज़्यादा बड़ा होगा फिर वो टूट भी जाएगा जल्दी। टॉवल के लिए कौन सा फाइल किया तुमने बोरा ये गुड क्वालिटी ना तो ये कितने लिए हैं तीन तीन किचन दोनों बाथरूम उसके लिए तो वो रोज़ गोल्ड वाला है रोज़ गोल्ड वाला ये उसके लिए बाहर की रोज़ गोल्ड हो गया ये वॉशरूम के लिए हो गए वॉश बेसिन के बाजू में है ना ये वाले नहीं। हाँ तो बाहर के लगाओगे वो अंदर बाहर वाले वॉशरूम में छोटा लग रहा था मैं पसंद नहीं आ रहा अभी ना ठीक है इसका बताते हैं ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा देख लें टॉवल रैक अभी नहीं चाहिए टॉवल रैक शायद है नहीं है लगी तो है लेकिन अब वो लगवा रहे हो सावन लगवाएगा तो वो सावन का जरूरी है वो इस टाइप का चाहिए हमें शैम्पू सावन टाइप पे चाहिए एक ही में लग जाए सारा ये तो ये रखने के लिए होगा लेकिन जो खुला हुआ साबुन है वो थोड़ा यहीं रख इस पर रखोगे ना वो थोड़ी ना इस पर रखोगे जो गंदा हो जाएगा पूरा खराब हो जाएगा तो ऊपर साबुन रखना और एक बाद में बाथ चाहिए हाँ तब रखना पड़ेगा इसका डायरेक्ट रखना पड़ेगा इसमें शैम्पू वैम्पू रख सकते हो इस तरीके से बाथरूम दो का ठीक है एक में दो साबुन रख जाएंगे आपके जैसे बच्चों का अलग है हमारा अलग है तो इसमें रख जाएंगे दोनों वॉशरूम में इसको एक एक लगवा लो मेरे हिसाब से तो ऐसा है आपका जो सिंक है उसका मैंने राजा जी से कंफर्म कर लिया है कि वॉल माउंट लगेगा दो तरीके के होते हैं एक तो वॉल में लगता है ना मतलब टैप जो है उसका नल और एक होता है कि भाई काउंटर पर लगेगा
उसे काउंटर टॉप बोलते हैं या टेबल टॉप भी बोलते हैं। तो कंफर्म किया तो उन्होंने बताया है कि जो है टेबल टॉप लगेगा, जैसे काउंटर टॉप भी बोला जाता है, वॉल माउंट नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से डन कर देते हैं। चलिए सर जी, टेबल टॉप लगेगा क्या? वॉश बेसन जो है वो, सॉरी सिंक जो है, सिंक वाला जो टैप है, टेबल टैप चाहिए, वॉल माउंट, टेबल टॉप, टेबल टॉप। आइए मैडम, लास्ट वाला टेबल टॉप है। अच्छा, ये दो टेबल टॉप है, हिंड वेयर के हैं दोनों ही ना? और कलर भी है। अच्छा, और कलर भी है इसमें। और लास्ट में कौन सा बताया? नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमको तो। लास्ट वाला ये हमको तो नहीं, फ्लेक्सिबल वाला चाहिए। नहीं, ये तो ये वॉल माउंट है, ये दीवार पे लगाया ना ये। अच्छा, ये है, इसमें आप कलर देख लो, डन कर दो जो भी है। तो जी, ये जो भी हमने देखा ना, ये वाला, ये हिंड वेयर कलेक्शन में है और ये फ्लेक्सिबल रहता है। दिखाओ मैडम थोड़ा इसका फंक्शनलिटी, दिखाओ आप। कहीं पर भी कैसे ही मोड़ सकते हो उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये अच्छी बात है इसकी। इसमें 6 to 7 कलर से भाई साहब बता रहे हैं, कलर देख लेते हैं और पसंद कर लेते हैं और डन कर देते हैं इसको भी। आई थिंक यही बचा, बाकी सारा निपट गया। हाँ, ये चलो इसको भी डन करते हैं बुकलेट में देख के, क्योंकि डिस्प्ले में दो ही कलर्स हैं इनके पास, तो बुकलेट में चेक करके फाइनलाइज कर देते हैं। चलिए आइए, ये सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। मुझे ना ग्रे कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रे ही अच्छा लग रहा है ना, ग्रे बाकी थोड़ा चीप टाइप के लग रहे हैं। ग्रे अच्छा लग रहा है, मैंने पहली चॉइस मैंने नहीं बोल दिया था, ग्रे अच्छा है। थोड़ा माने नहीं थे, बोल रहे सारे कलर देख, सारे कलर देखने के बाद देखने के बाद डिसाइड करो। ग्रे लेना है मेरे को, ग्रे ही मिला है, अब आप ही बताओ। अरे जी मैडम, अभी डिसाइड कर दिया आपने बिना देख के, बाद में आपको कोई कलर पसंद ना देख के फिर आप बोल दिया तो गलती कर दी हमने। मुझे ग्रे चाहिए, पूरी तसल्ली करना जरूरी है देख कर। ग्रे Now we are satisfied and we are confident that we can go with grey. Done. So grey is done. चलिए okay. तो दोस्तों, सारी sanitary items, नल के fittings, ये सारा कुछ finalize हो गया है। बात washroom का, kitchen का, जो भी ये सब sanitary items हुआ आपका, नलके वलके हुए, कमोड हुआ, ये सारा जो हमने done कर दिया है। सारे designs वगैरह models actually सारे के हमने फोटो ले लिए, नोट करा दिए हैं, हमारे इंटीरियर वाले भाई साहब राजेश जी को भेज दिया है। हमारा काम हो गया यहाँ से ख़त्म, और आज इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो जी कमेंट करके बताइए आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आपकी कोई फीडबैक है वो हमें दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।